नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ये एक पार्क बना और हम मौजूद हैं सीवान में, जिसे गोपालगंज मोड़ के नाम से जानते हैं। गोपालगंज मोड़ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे एक पार्क बना जो कि 1982 में बना। आपको बताएं कि 3 दिसंबर 1982 को ये बनना चालू हुआ, यानी शिलान्यास हुआ, इसे बना के तैयार किया गया। लेकिन पिछले 38 सालों तक ना ही इस पार्क पे सिवान प्रशासन की नज़र पड़ी और ना ही वरीय अधिकारियों की नज़र पड़ी और ना ही नगर परिषद की नज़र पड़ी। लेकिन हम बताएं आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिले के सिवान शहर स्थित राजेंद्र पार्क में और आपको बताया कि पिछले 38 साल से ऐसे कह ले कि सिवान के लोगों को पार्क के नाम पे एक लॉलीपॉप दिया गया था जो कि लोग इसे पार्क के नाम से जानते थे। लेकिन पार्क असल में होता क्या है अब वो दिखने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि इसमें काम लगा हुआ है। आपने कैमरा मैन से कहेंगे कि इधर दिखाए कि इस साइड में फ्लावर्स लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए बाउंड्री किया जा रहा है, छोटा बाउंड्री किया जा रहा है जिसमें मिट्टी डाल के फ्लावर्स लगेंगे और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काम लगा हुआ है। ये पार्क जो है अब असल तरीके से अब पार्क नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि ना ही प्रशासन की नज़र पड़ी पिछले 38 सालों में और ना ही सिवान नगर परिषद की नज़र पड़ी, लेकिन अब नज़र पड़ी है तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक मूर्ति भी लगाया गया है और अब पार्क भी बनाने की पूरी कोशिश चल रही है और काम चल रहा है। लेकिन अब कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कब से इस पार्क को देख रहे हैं, क्या इसी तरह से ये पार्क शुरू से था, यानी 1982 में जब ये पार्क, यानी 3 दिसंबर 1982 में जब ये पार्क बना तो क्या उस वक्त से ही ऐसा था या फिर इसमें कुछ चेंजिंग भी हुआ है। कुछ लोग हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? संजय कुमार। कहाँ से है? मखदूमसराय, यानी शहर के ही हैं आप। ये पार्क को आप कब से देख रहे हैं? करीब 20 साल से। 20 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही था या फिर इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है? ये अभी फिलहाल चेंजिंग हो रहा है, नहीं तो पहले तो वैसे ही था। यानी हमने कहा जो कि सिवान के लोगों को पार्क के नाम पे एक लॉलीपॉप दिया गया था, बस वही था ना? यस यस, ये बात सही आप बोल रहे हैं। अब कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है जी। बन रहा है। क्या क्या लग रहा है कि ये अब सिवान के लोग एक अच्छे पार्क में आकर के बैठेंगे, आनंद ले पाएंगे? हाँ, सिवान के लोगों के लिए तो ये तो खुशी की बात है कि पार्क बन रहा है, कुछ काम चल रहा है। अब सभी लोग सुबह सुबह इधर टहलने आएंगे, नहीं तो उस वक्त तो ये ऐसा नहीं था। अब कुछ हो रहा है कि जिससे सिवान के लोग खुश होंगे। क्या लग रहा है बेहतर, जैसे सिवान से निकल कर के आप पटना जाते हैं, पटना में कई ऐसे पार्क हैं, उस तरह का ये पार्क देखने को लगेगा नज़ारा? हमको जहाँ तक लग रहा है, हमको लगा कि पटना जैसा ही इसको लगना चाहिए, जिस तरह से बन रहा है हाँ उस तरह से है। चलिए, एक और शख्स हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। इनका उम्र लगभग 25 के आसपास होता होगा। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र हुआ 28 साल। 28 साल। कितने साल से इस पार्क को देख रहे हैं? पार्क को हम देख रहे हैं लगभग 7-8 सालों से देख रहे हैं। 7-8 सालों से। परिवर्तन हुआ है या ऐसे ही देख रहे हैं? कुछ परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन अभी हो रहा है। अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। देखिए तो धर्मेंद्र जी थे, अपने कैमरा में से कहेंगे कि इधर दिखाएं। देख सकते हैं किस तरह से जेंट्स भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आपको बताएं कि ये जो पार्क है ना, ये पार्क एक आपको बता दें कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दिखाया जाता है। ये एक अलग तरह का इस पार्क का एक मतलब नाम बता दें हम आपको कि कहीं भी सिवान जिले में जो लोग हैं सिवान के दूर के रहने वाले, वो लड़कियों को दिखाने के लिए, लड़कों को दिखाने के लिए, यानी एक दूसरे को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शादी जब लगती है तो। लेकिन बताएं, फिर से बताएं कि 1982 में इस पार्क का शिलान्यास हुआ, 1982 में 3 दिसंबर 1982, और उसके बाद पिछले 38 सालों तक इसके ना ही कोई माँ बाप नज़र आए और ना ही कोई इसके गार्जियन नज़र आए, ना ही इस पे सिवान पुलिस प्रशासन की नज़र पड़ी और ना ही किसी वरीय अधिकारियों की और ना ही नगर परिषद की। लेकिन आपको बताएं कि इसमें सबसे बड़ी अगर कमी किसी की नज़र आई तो वो सिवान नगर परिषद की थी, लेकिन अब
सच में हमने बताया कि सिवान के लोगों को पिछले कई सालों से एक पार्क के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गया है। अपने कैमरामैन से कहेंगे फिर से ये दिखाए कि यहाँ पार्क का पूरा काम चल रहा है और अच्छे ढंग से पार्क बनाने की बात चल रही है। यानी आने वाले वक्त में बताया जा सकता है कि सिवान का ये जो एक लॉलीपॉप दिया गया था लोगों को, वो दिन अब खत्म हो गया और सिवान के लोग भी अब अपने आप पे गर्व करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे जो पार्क बना है वो बेहतर पार्क है। क्योंकि 38 साल तो बीत चुके हैं, केवल राजेंद्र पार्क के नाम से लोग जानते थे, लेकिन असल पार्क क्या होता है अब ये सिवान की जनता देखेगी। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन आसिक के साथ, फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।